जनाब गौस बख्श महर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेहरबानी सुको साहब, सुना उचित पहले कि बजट स्पीच हुई, मैं नहीं आ सका क्योंकि स्पेशल इजलास, शायद मुझे नहीं लगा कि बजट के लिए पुराना इजलास चल रहा था उसको इजलास करके चलाया गया। सारी पार्टियों ने, जो हाउस में एल पार्टी हैं, उन सब ने मिलकर ये बजट बनाया, लेकिन हम भी तीन चार में भरसा है हाउस के, हमें नहीं पता कि बजट में क्या चीज़ें क्या नहीं, हमारे से कोई कंसल्ट नहीं किया गया। ऑपोजिशन जिसको बनाया गया, ऑपोजिशन इतना इस मुल्क में ज्यादती, इस दौर में जहां दुनिया में जमहूरियत है कि ऑपोजिशन मुल्क में असेंबली में ख़त्म की गई, ऑपोजिशन लीडर उठ के कहता है कि बजट जो है बहुत बड़ी अच्छी और बजट की तारीफ कर रहा है, ये हमारी जमहूरियत है, इधर हम जमहूरियत को लेकर बिठाया है। इतने मेंबर है हाउस में, आप ये बताएं कि कितने रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर बैठे हैं, कॉलिशन वाले तो बैठे हैं लेकिन रूलिंग पार्टी के डेढ़ ढाई मिनिस्टर बैठे हैं जिनको इतना भी फिक्र नहीं है कि लोग मेंबर बोल रहे हैं या बकवास कर रहे हैं। ये मेंबरों की इज्जत है, अगर मेंबर तकरीर करें, बजट पर कोई बात करें तो इसको सुनाए, कौन है सुनने वाला? कितने मिनिस्टर बैठे आप बताएं, हाउस का क्या हाल है? उसमें इतनी इंटरेस्ट है हमारा, क्या दुनिया कहेगी, क्या लोग कहेंगे, क्या पब्लिक कहेगी कि भाई हमारी बजट स्पीचेस हो रही है, मेंबर बोल रहे हैं और कोई सुनने वाला उधर नहीं है? कौन सा सरकारी आदमी इधर बैठा है मिनिस्टर सवाए दो ढाई के? इतने मुल्क की बजट दे रहे आप, इतना नाम ले रहे हैं कि आप इतनी हुकूमत बना के एक गलत आदमी को हटा के, ठीक है कानून के जरिए से ही बना, आप बना के गवर्नमेंट बनाए, कॉलिशन गवर्नमेंट है, सब आपके साथ है। ऑपोजिशन का खाना खा, ऑपोजिशन को आपने खत्म कर दिया, ये नूर आलम ने कुछ बोला, वरना कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि बजट में क्या है क्या नहीं है। इसमें साहब आप इसको इंश्योर करें, कितने मिनिस्टर मुझे तो नजर नहीं आ रहे, शाह साहब तो मिनिस्टर ऑफ नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू अभी यहाँ मौजूद थी, मोहतरमा वो कई आयशा साहिबा, मोहतरमा आप नोट ले रही है, मैं बात कर रहे हैं प्लीज, वो गपशप करें या सुने बैठ के वो जी आप आए। सुबह को हाल ये है आपका, इस गवर्नमेंट का हाल ये है कि सुबह को मिनिस्टरों के कितने बजे दफ्तर खुलते हैं? जी हम भी मिनिस्टर रहे, हमें भी टाइम का पता है, मैं तीन चार मिनिस्टर में गया, मुझे कोई मिनिस्टर नजर नहीं आया दफ्तर में, दफ्तर खाली पड़े, मिनिस्टर नहीं है, इधर आते इधर मिनिस्टर नहीं है, तो मिनिस्टरों को क्यों रात को जगा रहे? खुदा का हुक्म भी है कि रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए, तो आपके मिनिस्टर दिन को सोते हैं, रात को जागते क्या करते हमें पता नहीं है। हाँ जी आए आप, मेहरबानी, बात यह कैरी ऑन प्लीज। इस वक्त बजट पेश किया गया है, कितना इंटरेस्ट है लोगों का मुझे ये बताएं, मिनिस्टर फाइनेंस का कितना, मिनिस्टर स्टेट फाइनेंस का कितना इंटरेस्ट है? वो भी जाकर गपशप करने बैठ गई है, और टाइम नहीं गपशप करने का, कौन हमारी पॉइंट लिख रहा है? इस वक्त जो बजट बना है, मोहतरमा सुने फिर आप जवाब दें, मिनिस्टर सुन के फिर जवाब देते, ऐसे नहीं कि एक MNA बोले और उस पर आप हर एक का जवाब दें, आप इकट्ठे हो गए, जो गलत बात करें, हम जो बकवास करें वो आप इकट्ठी होकर जवाब दें। साहब इस बजट में, इस हालात में, जिस हालात में मुल्क चल रहा है, या जिस पर हमारी एक तरीका है हमारा का, जो भी पिछली गवर्नमेंट थी वो खराब कर गई, 8 में जो गवर्नमेंट आई उसने जो चीजें की वो 13 वाली के लिए खराब थी, जो 13 में की चीजें वो 18 वाली के लिए खराब थी, जो 18 में हुई वो अब वाली के लिए खराब है, लेकिन हर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बजट ठीक करे, लोगों को सही चीजें पहुंचाए और लोगों का सही ख्याल करें। इस साल हमारा एक बड़ा बुरा साल गुजरा है, पिछला हर लिहाज से, सियासत से, माशियात से, तबाहकारी से, इतनी तबाहकारी सिंध में हुई, मुझे एक मिनिस्टर इधर से उठ के बुलाए, फेडरल मिनिस्टर उठ के बताए कि हम उस तबाहकारी को अभी देखने गए कि रिहेबिलिटेशन क्या हुई है। मैं पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के लिए नहीं कह रहा हूं, जो हमारा बड़ा पार्टनर है, एक बंदा नहीं गया कि क्या क्या अभी तक काफी इलाकों में अभी तक रिपेयर वर्क नहीं शुरू हुई है, अबर जिन ड्रेन्स ने कैनाल के बंद टूट गए जिसकी वजह से तबाही आई, जिसकी वजह से ये सारे फ्लड आए, अगर पानी आ जाएगा, आ गए अभी पानी थोड़ा बहुत, उसमें कैसे सिल्ट की ड्रेन्स होगी, कैसे ये बंद बनेंगे? पूरा महीना में भागता रहा उधर डिपार्टमेंट के पीछे, आज अभी मुझे किसी ने बना कि शायद अभी मशीन आज आ रही है, जो 5-6 दिन से पानी पहुंच गया हुआ है। अब इस सूरत हाल में एक तरह से कहते मुल्क के हालात खराब है,
जो भी मिनिस्टर अक्सर उठता है एक पार्टी का सवा एक बंदे और बात नहीं, हमने तो नहीं इमरान खान को चुना था, सिंध ने तो उसको मेजोरिटी नहीं दी थी, आपने खुद चुना था पंजाब वालों ने, आप ही तंग हुए और अभी सारा दिन उसे जान नहीं छूट रही है, डालो जेल में उसको अपनी तरह की। अभी ये जो बजट दी है आप एमएनए जो है सरकारी एमएनए सरकारी मिनिस्टर, इसकी तशरीह करो, बताओ कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर में आपने क्या भी दिया है बहुत बड़ा बताया है, इस वक्त एग्रीकल्चर में किस चीज की जरूरत है, जितने एग्रीकल्चर बैठे बताए तक बिजली हम अफोर्ड कर सकते हैं, पानी हम दे सकते हैं, मिल सकता है, एक ही वाहिद चीज है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए पैसे रखे गए लेकिन ये पैसे ऐसे ही जाएंगे, या तो ये आप ऐसे करें हर एक एमपीए से कंसल्ट करें, एमपीए से चंद अपने लोगों से कंसल्ट करके करेंगे तो फिर जो तो मुल्क की खिदमत तो नहीं हुई ना, फिर तो इमरान खान वाली खिदमत हुई ना, कि आप भी वही काम करें जो अपने लिए कर रहे थे, तो आप क्यों ऐसे करें। जितने मैंने जितने हल्के उनको बुलाए, उनसे पूछे भाई कहां कहां जरूरत है, क्या जरूरत है, किधर किधर स्वीट वाटर है। एक तरफ से हमारे पास सिंध में पानी का बोहरान रहता है हर साल, क्यों नहीं एक साल ज्यादा पैसे एग्रीकल्चर वाटर को देके और पानी में शाह साहब बैठे, कितनी जगह पर मीठा पानी है, आप एक मरतबा सोलर ट्यूबवेल लगवा के दे लोगों, फिर उन लोगों को खुद मेंटेन करें, लेकिन कोई इधर ध्यान नहीं है। सीड आपने आपकी पेटी का फसल सारा खत्म हो गया कॉटन का सिंध में, कौन सा नया सीड आपने इस साल मंगवाया जो अभी हम काश कर रहे हैं। वीट हुई बंपर क्रॉप, बंपर क्रॉप कैसे हुई है, बंपर क्रॉप ऐसे हुई कि पानी जल्दी उतर गया, सीजन मिल गई, वाटर लॉगिंग नहीं हुई, उसकी वजह से बंपर क्रॉप हुआ। आपने क्या सब्सिडी फर्टिलाइजर में, अच्छा सीड कौन सा नया आपने मंगवाया वीट के लिए, वही पुराने सीड थे सिंध में हमने वही किए। अभी पेटी के लिए कौन सा सीड, कौन सी सब्सिडी सीड या फर्टिलाइजर अभी आप दे रहे हैं, हमें बातें तो बहुत करते सवाय सियासत के। अब जान छोड़ो सियासत को, सियासत गई, इलेक्शन आ रही है, अब लड़ना जीतना है, लेकिन अभी तो काम की बात करो। सुबह से उठ के शाम तक इमरान खान, जाके इमरान खान को बंद करो, जन्म डालो, हम क्यों फंसे इमरान खान से, आप पंजाब वालों ने उसको मेजोरिटी दी थी, हमने तो नहीं दी थी, जेल में भी आप डालो तो जो भी करो, इतने हद तक आप पहुंचे हो पंजाब वाले, सॉरी टू से पंजाब बड़े सूबे वाले, कि इतने तक पहुंचो जो हमारी डिफेंस का इदारा है और जुडिशियल जिसकी हम हद से ज्यादा एहतराम करते हैं, आपने तो हाउस पर हमला कर दिया। सिंध में तो हमला नहीं हुआ किसी हाउस पर, बलोचिस्तान में तो नहीं हुआ, पंजाब में तो नहीं, केपीके में तो नहीं हुआ, किसने किया, कहां से लोग आए थे, आप में सी थे, आप उस शहर में मेजोरिटी रखते, आप क्यों नहीं लोगों को कन्विंस करते कि ऐसी चीज की हरकतें करते, आप क्यों नहीं लोगों को पहले मोटिवेट किया था, आपकी गवर्नमेंट थी उधर, आपको क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दी कि इस चीज को रोका जाए, एक बुरा वाक्य हो जाए फिर आप कहेंगे ये होगा, पर गवर्नमेंट आपकी केयर टेकिंग काय के लिए, आपकी गवर्नमेंट है, क्यों साहब के गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इस चीज को रोका।